प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम की नवी दिल्ली से किया संबोधित आख्या जे नारी शक्ति का मान बधाने से उनके लिए नवे मौके पैदा करते हुए यह देश बढ़ सकता है अगे। जम्मू कश्मीर पुलिस लोकसभा चुनाव सुरक्षित से रमानदारी करने करवाने लिए पूरी चाली तैयार आख्या डीजीपी स्वैन होरें। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड बारे एसबीआई की याचिका की किया रद्द चुनावी बॉन्ड की तफसील जायज करने एसबीआई की दिता एक दिन का समा। मुख्य सचिव होरें भारतीय चुनाव आयोग के 12 ते 13 मार्च की जम्मू कश्मीर के दौरे से पहले जारी हीले प्रशासन की हिदायत जारी की। नमस्कार, डोगरी खबरें च तुंदा स्वागत है ते हुण पेश न खबरां विस्तार कन्नै। प्रधानमंत्री मोदी होरें आख्या जे कोई भी देश महिलाएं दी शक्ति दी गरिमा ते उंदे गीते नवे मौके पैदा करी अगड़ा बधी सकदा है। श्री मोदी होरें एक गल अज नवी दिल्ली च सशक्त नारी विकसित भारत प्रोग्राम की संबोधित करदे हुए आखी। प्रधानमंत्री होरें 1000 ड्रोन 1000 नमों ड्रोन दीदियों की दिते। श्री मोदी होरें आख्या जे हर क्षेत्र च काम करा करदी भारत की नारी शक्ति पर हर कुसे की गर्व है। उन्हें आख्या जे सरकार की बख बख स्कीमें करी 1 करोड़ थमां ज्यादा महिला लखपति दीदी बनी गई हैं। इस मौके पर श्री मोदी होरें उन्हें लखपति दीदियों की सम्मानित किया जिन्हें दीनदयाल अंतोदय योजना राष्ट्र ग्रामीण लिवलीहुड मिशन की मदद करने सफलता हासिल की स्वयं सहायता समूह के सदस्य की अगड़ा बधने गित्ते प्रेरित भी कर दी। प्रधानमंत्री होरें हर जिले च बैंकें आसिया आयोजित बैंक लिंकेज कैंप की मार्फत घर सूद पर स्वयं सहायता समूहें की 8000 करोड़ रुपए के ऋण भी दिते। नहीं रही और आपको आपके नसीब पर छोड़ दिया। मेरा अनुभव यह है कि अगर हमारी माताओं बहनों को थोड़ा अगर अवसर मिल जाए, थोड़ा उनको सहारा मिल जाए, तो फिर उनको सहारे की जरूरत नहीं आती है, वे खुद लोगों का सहारा बन जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें हरियाणा के गुरुग्राम थमां अज दोपहरी सारे देश फैले दे 112 राष्ट्र जरनैली सिड़कें आले प्रोजैक्ट का उद्घाटन किया ते नींह पत्थर रख्या जिहदे उपर तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आना है। जिन्हें परियोजना का उद्घाटन किया गया उन्दे च मती प्रतिष्ठा आले द्वारका एक्सप्रेसवे दे हरियाणा सैक्शन भी शामिल हा। इस मौके पर मोदी होरें आख्या जे अज जिन्हें परियोजना का उद्घाटन किया गया वह विकसित भारत लई अगली पीढ़ी दिए ढांचागत सुविधाएं च शामिल है। उन्हें आख्या जे 9000 करोड़ रुपए शा मती लागत करने बनाए जा रहे द्वारका एक्सप्रेसवे करने दिल्ली ते हरियाणा बशकार सफर करने का अनुभव सदा लई बड़ा मता बेहतरीन हो जाग। प्रधानमंत्री होरें आख्या जे 21वीं सदी का भारत बड़े नजरिए वाला भारत है। उन्हें आख्या जे इस भारत के लक्ष्य बड़े बड़े न। द्वारका एक्सप्रेसवे दे हरियाणा सैक्शन कन्ने दिल्ली ते गुरुग्राम बशकार राष्ट्रीय जरनैली सिड़क 48 उपर गड्डियें दी आवाजाई सौखी हो गई जाग ते उन्हें आने वाले गड्डियें दे जाम थमां छुटकारा थोग। द्वारका एक्सप्रेसवे दी कुल लंबाई 29 किलोमीटर है। देदे शां 18.9 किलोमीटर हरियाणा जिसले के 10.1 किलोमीटर दिल्ली च पौंदा है। 9 मार्च 2019 की उसले दी केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज अरुण जेटली ते नितिन गडकरी होरें द्वारका एक्सप्रेसवे दा नींह पत्थर रख्या हा। पुलिस महानिदेशक आर स्वैन होरें आख्या जे जदों भी घोषित की जाग ता पुलिस लोकसभा चुनाव रमानदारी करने करवाने ले पूरी चाली तैयार है। उन्हें भरोसा दवाया जे ये चुनाव सुरक्षित वातावरण च करवाए जांगन। पुलवामा जिले च रोहमू पुलिस चौकी का उद्घाटन करने मगरा पत्रकारें कन्ने गलबात करदे होई उन्हें आख्या जे जम्मू कश्मीर लोकसभा चुनाव ले पुलिस पूरी चाली तैयार है। नशीले पदार्थों की तस्करी करने आले ते आतंकवाद बशकार संबंधे बारे और सवाल दे परते च डीजीपी होरें आख्या जे इस चाली दे पक्के सबूत हासिल होए न जे नशीले पदार्थों की तस्करी करने आले ते आतंकवादी बशकार ना छड़ा आपू च बड़े डूंगे तार जोड़े दे सगुआं आतंकवादी संगठने दिए अलबर जैशे मुहम्मद लश्कर तैयबा की भी मदद पजांदे रोंदे न इस चाली दे नजायज कारोबार दे पिछे न। जैश का ये सब लोगों का ये जो वहां के जो
हैंडलर्स हैं, जो टेरर कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो लोग सप्लायर भी हैं। भारतीय चुनाव आयोग दे इस महीने की 12-13 तरीक की प्रस्तावित जम्मू दौरे शा पहले मुख्य सचिव अटल डुल्लू होरें यूटी च लोकसभा चुनाव साफ सुथरे ते व्यवस्थित आले ढंगे सिरे करवाने लई सिविल ते पुलिस इंतजामिया दे अधिकारी कन्ने बैठक लाइए इस बारे किते जा रहे हीले पर सलाह सूत्र किया। इस बैठक दौरान मुख्य सचिव होरें आखिया जे प्रशासन का मकसद साफ सुथरे ढंगे कन्ने चुनाव करवाने जेदे जे लोकें दी बद्दोबद शमूलियत यकीनी बनाई जा सके। उन्हें जिला ते प्रांतीय सतह पर इंतजामिया की हर चाली दी गैं पुट्टने लई आखिया तां जे अपने लोकतांत्रिक अधिकारें का इस्तेमाल करने च लोकें गी कोई परेशानी नहीं आवै। भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह राणा होरें आखिया जे अगस्त 2019 की जम्मू कश्मीर थमां इतिहासिक धारा 307-8 ने परैंत बड़ी तब्दीली आवार दी है। वरिष्ठ नागरिकें दे एक सम्मेलन की संबोधित करदे होए उन्हें एक गल आखी। इस सम्मेलन का सरिस्ता पार्टी के सीनियर सिटीजन सैल आसिया कल किया गया है। श्री राणा होरें आखिया जे जम्मू कश्मीर के इस निर्णायक गैं कन्ने एक नवा चैप्टर शुरू हुआ है। उन्हें कदमें कन्ने शांति खुशहाली ते तरक्की का रस्ता खुली गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंदे दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना करते हुए उन्हें आख्या जे धारा 370 ते धारा 35 हटने कन्ने परिवर्तन की यात्रा शुरू हो गई है ते हुण बख-बख शोबे च बड़ी मती तरक्की लभा रही है। श्री राणा होरें आख्या जे भाजपा की इस वचनबद्धता ने समाज के खीरी मानू धोड़ी पुजने और जोर पकड़ी लिया है कि जे प्रधानमंत्री आपू प्रगति की गति से बख-बख कल्याण स्कीमें की अमलावरी नज़र बनाए रहे दिन उन्हें थोई दी जानकारी मुताबक देश च नागरिकता संशोधन कानून लागू करी दिता गेदा है। उन्हें शा किश चिरे पहले गे केंद्र सरकार ने इस बारे औपचारिक अधिसूचना जारी करी दी गेदी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज भारतीय स्टेट बैंक की दलील की 3 जून तोड़ी अगड़ा बधाने थमां इनकार करी दिता जिसी पिछले महीने खत्म करी दिता गेदा हा। जेदे च सुप्रीम कोर्ट ने आख्या हा जे इस स्कीम की समाप्त करने थमां पहले उन्हें पार्टियों की विस्तृत जानकारी दिती जा जिंदे च चुनावी बॉन्ड की अनकैश करवाया हा। 5 सदस्य दे संवैधानिक बैंच जेदी अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड करार दे हे भारतीय स्टेट बैंक की आख्या जे इस संबंध च जरूरी जानकारी ओ 12 मार्च दे कामकाजी समय दे दौरान जमा करवान। उच्च अदालत ने भारतीय चुनाव आयोग की आख्या जे अदालत की मुहैया कराई गई विस्तृत जानकारी ओ अंतरिम हुक्म दे मुताबिक अपने वेबसाइट पर प्रकाशित करे। भारतीय स्टेट बैंक की स्पष्ट चेतावनी देंदे हुए अदालत ने आख्या जेकर समय सीमा दे मुताबिक काम नहीं किया गया ता अदालत अवमानना जारी करी सकती है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होरें आख्या जे अमृतकाल दौरान समय है जे अस अपनी नवी पीढ़ी दे विकास ते उंदी राखी हिफाजत आस्ते कम करचे ता जे उनेंगी मुख्यधारा च शामिल किया जा सके। बच्चें दे अधिकारें ते उंदे संरक्षण बारे पंचायती राज इदारे मकामी निकायें ते पुलिस दे नुमाइंदे गी जागरूक करने ते 2 दिनें दे सिखलाई कार्यक्रम दौरान जम्मू दे कन्वेंशन सेंटर च उन्हें आख्या जे असेंगी उन्हें खेत्रें उपर ध्यान देने दी लोड़ है जिंदे कन्ने अस नौजवानें दे पूरे पराते विकास लई काम करी सकचे। उन्हें आख्या जे लोड़मंद नौजवानें दे बेहतर भविख लई उंदा संरक्षण ते मार्गदर्शन दी लोड़ है तां जे उन्हेंगी नशे दे कबैतू ते आतंकवाद थमां दूर रख्या जा सके। सूचना ते प्रसारण मंत्रालय आसिया अज नवी दिल्ली च गोलमेज चर्चा का सरिस्ता किया गया जेदे च मीडिया ते मनोरंजन जगत च महिलाएं दे किरदार बारे चर्चा की गई। टेलीविजन रेडियो खबरें ते नेटफ्लिक्स जिने OTT मंच दे कन्ने फिल्म उद्योग दे इलावा कानूनी माहिरें भी इस चर्चा च हिस्सा लिया। इस मौके पर इस बारे विश्लेषण किया गया जे किस चाली महिलाएं गी मीडिया आसिया दस्या जांदा है ते इहदा समाज पर किस चाली दा असर पाउंदा है। इहदे अलावा महिलाएं गी समाज च बनी दीएं पुरानीएं रीतीएं ते उद्योग कन्ने जुड़ी दीएं चुनौतियां दा सामना किस चाली करना पाउंदा है ते बारे च सलाह सूत्र किया गया। इस मौके पर प्रतिभागीएं मीडिया च महिलाएं गी उंदी बंदी थार नहीं थोने ते महिलाएं गी विषय वस्तु दे तौर उपर दसे जाने कन्ने पौने आले असर बारे जोर भरिया। एदे अलावा तंदरुस्त रौहने लई जागरूकता च कमी सलाहतें च वाधा करने नियमें बनाने ते खुली चर्चा बारे भी ध्यान दिता गया। प्रतिभागीएं महिलाएं गी समावेशी तरीके कन्ने बराबरी दिते जाने पर जोर भरिया।
साइंस कॉलेज जम्मू च नवे मतदाताओं के लिए आज एक कार्यक्रम का सरिस्ता किया गया। इस मौके पर विद्यार्थियों न्यू वोटर गाने ऊपर प्रस्तुति भी पेश की, जेदे मगरा दूरदर्शन कन्ने गलबात करते हुए कॉलेज के विद्यार्थियों पहली बारी वोट पाने के लिए अपनी उत्सुकता जाहिर की। अब की उम्र हमारी पूरी हो गई 18 साल, अब की उम्र हमारी पूरी हो गई 18 साल, पहुंचेंगे मतदान के दिन हम दौड़ के वोटिंग हॉल, मिल जाएगा मुझको मेरा बुनियादी हकूक, मिल जाएगा मुझको मेरा बुनियादी हकूक, सोच समझ कर वोट दूंगा, नहीं होगी कोई चूक। ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं वोट देने जा रही हूँ और मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसके लिए। एक राइट कैंडिडेट को जरूर चूज करके मैं अपने देश का फ्यूचर अपने हाथ में जरूर लूंगी। रियासी जिले च मेरा पहला वोट देश के लिए मुहिम तहत कार्यक्रम जस रिश्ता किया गया। इस मौके पर सबने की वोट पाने दे महत्व बारे जागरूक किया गया। पहली बारी वोट पाने वाले युवा मतदाताएं इस मौके पर डीडी न्यूज कन्ने गलबात करते हुए अपने विचार सांझे किते। ये अपॉर्चुनिटी खो देते हैं तो ये बहुत बड़ा लॉस होता है हमारे लिए भी और हमारे देश के लिए भी। बड़ी खुशी है, मैं पहले वोट दे रहा हूँ और हर एक व्यक्ति को वोट देना चाहिए, उनका हक है वोट देना। तो जैसे कि अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो मैं अभी लास्ट ईयर ही मेरा वोट बना है, तो मेरा पहला वोट जो है वो देश के नाम होगा और वो होगा डेवलपमेंट के लिए जो हमारे एरिया में हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमारी स्टेट में। डोडा जिले के दूर दरेडे ते पहाड़ी इलाके च रोमांचक सैलसफा की बढ़ावा देने आस्तै सिविल सोसाइटी आसिया जिला इंतजामिया कन्या रलिए ठाठरी सब डिवीजन दी जंतरू धार उपर स्नो फेस्टिवल 2024 का सरिस्ता किया गया। समुद्री सतह थमां तकरीबन 11,000 फुट की ऊंचाई पर गंदो ते चिराला तहसीले मझाटे मौजूद जंतरू के मैदान च इस उत्सव का सरिस्ता किया गया, जिस दौरान मकामी संस्कृति ते रिवायतें का शानदार नज़ारा पेश किया गया। इस मौके पर संगीत नाच ते खेडे दियां कबड्डी वॉलीबॉल का आयोजन किया गया। डीसी डोडा रविंदर सिंह होरें आख्या जे इलाके च सैलसफा की बढ़ावा देने लई इस चाली दे जतन किते जा रहे हैं। दशक 2024-2014 की समाप्ति तोड़ी भारत मोबाइल बनाने वाली दुनिया का दुए नंबर वाला देश बनी गया है। इंडिया सैलुलर ते इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन ने एक वक्तव्य च आख्या जे 2014 च इस शोभा की 78% आयात पर निर्भरता ही, जेड़ा इस वेले 97% आत्मनिर्भर हो गई है। भारत च बिकने वाले हूँ सिर्फ 3% आयात किए जाते हैं। भारत च अंदाजन 20 लाख करोड़ रुपए के मोबाइल फोन एक दशक च बनाए जाते हैं। भारत ने पिछले 10 बरे च 2.45 बिलियन मोबाइल फोन तैयार किए हैं, जिसले कि लक्ष्य 2.5 बिलियन यूनिट रखा गया है। संस्कृति महकमे के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल होरें आज नवी दिल्ली च सुभाष चंद्र बोस उनके जीवन पर आधारित नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया सुभाष अभिनंदन डिजिटल एग्जीबिशन का उद्घाटन किया। इस मौके पर बोलते हुए मेघवाल होरें आख्या जे भारत की हर शोबे संसार का अगला देश बनाने गित्ते सरकार विरासत की विकसित भी मिशन पर कम करार दी है। उन्हें आख्या आर्काइव शोभा एदे च योगदान करने वाला है। नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया दे कदमे दी सराहना करदे होए मेघवाल होरें यकीन दुआया जे महकमे की सरकार प्यासा और जरूरी सहयोग मिलग। दूरदर्शन केंद्र जम्मू आसिया स्ट्रिंगर्स दा पैनल बनाने लई दरखास्तां मंगियां गईयां। एदे च जम्मू जिले लई 5 ते कठुआ सांबा उधमपुर रियासी रजौरी पुंछ रामबन डोडा किश्तवाड़ जिले लई 2-2 असामियां आस्तै दरखास्तां मंगियां गईयां। एदे लई नियम शर्तां ते होर दुई तफसील वैबसाइट www.ddindia.gov.in जां फिर डीडी न्यूज जम्मू ट्विटर हैंडल थमां हासिल कीतियां जाई सकदियां। योग्य ते तजुर्बेकार उम्मीदवार इन्हें असामियां लई दरखास्तां समाचार प्रमुख दूरदर्शन केंद्र जम्मू टाली मोड़ दे लागे जानपुर जम्मू च एक सीलबंद लफाफे च जमा करवाई सकते हैं। ये दरखास्तां जमा करवाने की खीरी तरीक 6 अप्रैल 2024 है। संस्कृति महकमे के प्रधान सचिव सुरेश कुमार गुप्ता होरें आख्या जे इलाके की संस्कृति
ते पढ़ाई आले विरसे च नवी जान पाने लई सरकार ने बहुपक्षी रणनीति तैयार की है। उन्हें आखिया जे कठुआ दे इलाकाई संस्कृति केंद्र दा निर्माण काम तेज करने लई कला संस्कृति ते भाषाएं आली अकैडमी जम्मू कश्मीर की हिदायतां जारी करी दी गई। प्रधान सचिव होरें कल कठुआ दे तफसीली दौरे पर हे। उन्हें आखिया जे संस्कृति महकमा अकैडमी राय लखारियों ते बख बख कला दे माहिरें कने रलिए कम करग तां जे इलाके दी सगोसार संस्कृति ते विरसे गी अग्गे वधाया जाई सकै। एदे कन्ने गै खबरें दा अज्जे दा बुलेटिन समाप्त होआ। नमस्कार।